हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो है मैं आपको बाहुबली का जो इंट्रोडक्शन सीन है देवसेना के साथ में, तो उस वीडियो का ट्यूटोरियल जो है देने वाला हूं। तो यहां आप देख सकते हैं ये वीडियो है, और यहां इसको चलिए मैं यहां से आपको किस तरह से वीडियो बनाना है काइनमास्टर पे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले जो है आपको मैं दो वीडियो फाइल जो है आपको दूंगा, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप सिंपल जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, काइंड मास्टर ओपन कर लेना है और एक MP प्रोजेक्ट पहले सिलेक्ट कर लीजिए। और सबसे पहले दोस्तों उस सीन को जो मैंने बनाया है उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक रहेगा, तो वहां से आप जाके जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, और उसके हिसाब से जो है आप अपना पूरा जो सीन है उसको ग्रीन स्क्रीन में रिकॉर्ड कर लीजिए। तो चलिए काइंड मास्टर ओपन हो गया है अपना मीडिया ब्राउज़र में से। सबसे पहले जो है हम अपना जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, जो बैकग्राउंड वीडियो है, उसको हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड वीडियो है, और इस वीडियो में आप अगर देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है मैंने ऑलरेडी पूरा जो है इरेज कर रखा है हर सीन में। आप यहाँ से देख सकते हैं कि पूरा जो सीन में है आपको प्रभास का जो हेड है वो इरेज नज़र आएगा, तो ये आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको जो है आपका स्क्रिप्ट हेड जो है उसको सेट करना है, तो किस तरह से सेट करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये पूरा जो है सीन है पूरा आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग का सीन जो है उसको मैं बता। तो दोस्तों सबसे पहला जो सीन है आपको एडिट करना है, तो उसके लिए आपका जो वीडियो है ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो आप उसको इंपोर्ट कर लीजिए, और यहाँ से जो है मैं अपना सॉरी वीडियो जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा जो है वीडियो शूटिंग वीडियो है। तो यहाँ से सिंपल आपको क्या करना है, एक वीडियो फ्रेम उस एंगल में जहाँ से आपको जिस तरह से लेना है उस एंगल में से आप एक काम कीजिए, यहाँ से क्लिक करके एक जो है सॉरी यहाँ से क्लिक करके यहाँ से जो है आप इसका एक कैप्चर फ्रेम ले लीजिए। तो इस तरह से जो है आपको ये सीन का आपको एक वीडियो फोटो फाइल जो है आपको बन जाएगा। उसके बाद में आप इरेजर एप्लीकेशन के ज़रिए से जो है इसका जो साइड है उसको आप इरेज कर सकते हैं। कुछ इस तरह का जो है मैंने ऑलरेडी जो है एक इरेज किया हुआ है, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको इरेजर एप्लीकेशन में इरेज कर लेना है, तो इस तरह से मैंने ऑलरेडी इरेज किया हुआ है, इसको आप इंपोर्ट कर लीजिए। और इसका जो है वीडियो फाइल ज़रूरी नहीं है, फ़ोटो को जो है आप इस तरह से इरेज कर सकते हैं चाहे आपने ग्रीन स्क्रीन में किया है नहीं। और उसके बाद में स्टार्टिंग टाइमलाइन में लेने के बाद में इसको जो है इस तरह से आप यहाँ सेट कर दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक आपको नज़र आएगा क्योंकि मैंने जो है अपना वीडियो एडिट कर रखा है, सिर्फ ये मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, कहाँ तक आपका ये क्लिप है वहाँ तक आप देख लीजिए, और वहाँ तक जाने के बाद में यहाँ से जो है इसको आप एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों आप इसको एनिमेशन देने की बारी है, तो सबसे स्टार्टिंग फ्रेम में ले जाइए, और यहाँ से आपका जो हेड है उसको सही पोजिशन में सेट कर लीजिए, और यहाँ से की वाले ऑप्शन में क्लिक करते हुए थोड़ा थोड़ा जो है आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा टाइमलाइन को आगे बढ़ाते हुए आपका जो हेड का पोजीशन है उसको इसके ऊपर सेट करते हुए जाना है। तो इस तरह से आपको जो है पूरे फ्रेम में जो है आपको इस तरह से की फ्रेम जो है एनिमेशन की फ्रेम जो है देते हुए कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको पूरा वीडियो में एनिमेशन देना है। तो चलिए मैं इसमें ज़्यादा आपको और नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये आइडिया है इस तरह से आपको करना है। उसके बाद में आपको सेकंड जो सीन है उसको भी इसी तरह एडिट करना है, यानी कि सेकंड वाला सीन जो है आप ये देख सकते हैं इस तरह से है। तो यहाँ इस सीन के लिए भी जो है आपको आप लेयर में जाके अपना जो सेकेंड वाला क्लिप है उसको ले लीजिए। तो यहाँ से जो है आपको सेम करना है, याद रखिए नीचे वाले लेयर को क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा, तो आपको जो है ऊपर वाला किसी तरह से भी आपको ये फ़ोटो इमेज जो है लेना है, इसको कैप्चर फ्रेम करना है, इरेजर में जाने के बाद में
आपको जो है इरेज कर लेना है। तो चलिए मैं इरेजर एप्लीकेशन में इरेज करने के बाद आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों मैंने इरेजर एप्लीकेशन से जो है इसको इरेज कर लिया है, यानी कि इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैंने इरेज कर दिया। चलिए नीचे वाले लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से जहाँ से अपना सीन चालू होने वाला है वहाँ टाइमलाइन लेने के बाद मैं यहाँ लेयर में जाके हम यहाँ से जो है अपना इरेजर एप्लीकेशन से उस इरेजर जो फाइल है उसको हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। और इसके बाद में यहाँ से आपको जो है आपके हिसाब से इसको भी आपको सेट करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप ये सारा चीज़ जो है मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं समझा पाऊँगा, मगर आप समझ अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा समझ जाएगी कि किस तरह से आपको सेट करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको जो है इस तरह से आपको पूरा जो है वीडियो में आपको इस तरह से सिर्फ आपका जो हेड है उसको सेट करना है। यहाँ से भी जो है आप एनिमेशन दे सकते हैं, इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है तो एनिमेशन नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है मूवमेंट नहीं है सीन में, ठीक है। तो ये सीन भी दूसरा सीन भी हो गया। अब हम तीसरे सीन की ओर आते हैं। तो तीसरा जो सीन है अपना ये है, तो इसमें भी ज़्यादा बॉडी में मूवमेंट नहीं है। तो आपको जो भी एक्सप्रेशन जो भी आपको जो भी इसका डायलॉग है तो उसको जो है एक्सप्रेशन के साथ जो है बोलना है, और इसको भी जो है सेम उसी तरह से जो है आपको यहाँ सेट कर देना है। और नेक्स्ट वाला सीन जो है यहाँ पर भी सेम है, आपको उसी तरह आपका जो हेड है सेट करना है। यहाँ पर मेरा वीडियो को आप देख लीजिए, जिस तरह से पूरा एक्सप्रेशन है उस तरह से जो है आपको पूरा जो है पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ इस वाले सीन में भी पूरा है। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, सिर्फ आपका जो है हेड इसमें इस सीन में सेट करना है। उसके बाद में दोस्तों सारा काम होने के बाद में आपको इसको चाहे तो एक्सपोर्ट कर लीजिए एक बार, या फिर जो है एक बार चेक करना चाहते हैं तो फिर से एक बार लेयर में आप क्या करेंगे, लेयर में आप जो है जो अपना फ्रंट लेयर है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फ्रंट लेयर वाला जो वीडियो है उसको आप इंपोर्ट कर लीजिए और इसको जो है स्क्रीन में फिट कर दीजिए। और ये पूरा जो लेयर है पूरा इसके टाइमलाइन के साथ पूरा मैचिंग करता हुआ है, तो ये मतलब इसमें आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो है क्रोमा की करना है। और ये हर सीन में जो है ये ऑटोमेटिक जो है फिट बैठ जाएगा, इसीलिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा लेयर सेलेक्ट कीजिए, क्रोमा की कीजिए, क्रोमा की इनेबल कीजिए और आपका जो सीन है वो इसमें पूरा टाइमिंग के साथ फिट बैठ जाएगा। यानी कि जैसे कि अगर आप हेड में एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है वो अगर लिए होंगे तो ये उसमें जो है उसको जो है साइड साइड से आपको कवर कर देगा। तो ये पूरा जो ग्रीन स्क्रीन है पूरा सीन के साथ पूरा मैचिंग है, आपको बस इसमें जो है अपना जो सिर है बस लगाते जाना है और आपका वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपको हेल्प हो जाएगी कि किस तरह से आप इस सीन को जो है अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे काइनमास्टर पे बना सकते हैं। और छोटा सा एक केस का आपको जो है वाटरमार्क मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इतना तो बनता है, हो सके तो डिस्क्रिप्शन में जो है थोड़ा सा आप क्रेडिट दे सकते हैं AKS एक्शन के रिएक्शन चैनल को कि इसका जो बैकग्राउंड है आपने यूज़ किया है, और नहीं भी देंगे तो चलेगा, मगर फिर भी गुजारिश करूँगा कि दे दीजिएगा। हो सकता है उस क्रेडिट के वजह से मेरे वीडियो के सजेशन में जो है सजेस्टेड में आपका वीडियो भी आए और आपके वीडियो को व्यू मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।